subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome to the class. सभी लोग का स्वागत है एक बार फिर से ऑल इंडिया स्पीटेड डिस्कशन में. तो आज टर्न है ST45A Maths बैंक का. फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा. आई होप सो आप सभी लोगों ने विगत जो हफ्ता में स्पीड टेस्ट 45 का हुआ था उसको आपने दिया होगा. तो चलिए जल्दी से फिर से कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए और क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस उनका डिस्कशन करेंगे. जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बेहतर तरीके के लिए आप इसको देखेंगे और जो नहीं आ रहे हैं वो तो आप ध्यान देंगे. चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, तो व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन. सिंपली ऐड करना है, पॉइंट वाला एडिशन है, कोई यहाँ सिमेट्री नहीं है. तो आप बस पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं मैक्सिमम दो डिजिट है, सब में दो बना लीजिए. मैं थोड़ा सा इसको रीराइट कर रहा हूँ. 3.60 लिख लेता हूँ इसको, 36.60 और ये 3.66 ओके है और ये 0.36 है और ये 3.00 कर लीजिए. इसी को ऐड करना है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू है. तो हम लोग पॉइंट को पहले भूल जाते हैं और एडिशन करते हैं क्योंकि सब में दो का हमने अरेंजमेंट कर लिया. ये जीरो है, ये जीरो है, ये छः है, ये 12 हो गया, 12 का दो कर लिया, कैरी एक हो गया, 7 हो गया, 6 7 13 हो गया, 13 6 19 हो गया, 19 3 22 हो गया, 0 22 हो गया, 22 का दो कैरी अगेन दो और 3 2 5 6 5 11 11 और 3 14 14 3 17 का 7 कैरी एक हो गया और 3 1 4 हो गया. अब क्या करिए, दो अंकों के बाद पॉइंट लगा लीजिए, 47.22 सिंपल 47.22. इससे क्या रहेगा ना, जब आप पॉइंट का अलाइनमेंट प्रॉपर कर लेंगे तो आपका गड़बड़ी नहीं होगा क्वेश्चंस में. गड़बड़ी बेटा नहीं होगा जब आप पॉइंट का प्रॉपर अलाइनमेंट कर लेंगे तो. ठीक है ना, ओके चलें नेक्स्ट वाले पे. चलिए सिंपली यहाँ पे आपका स्क्वायर कराया जा रहा है. 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256. 21 का स्क्वायर 441 और 13 का स्क्वायर 169. 25 का इधर ले आइए, ओके 25 का इधर ले आते हैं तो 625 ये 625 हो जाएगा और उधर जाएगा तो क्वेश्चन मार्क माइनस में होगा. तो सबका साइन उलट दीजिए, इसको माइनस करिए, ठीक है ना, सबको सबका साइन कर लीजिए, इसको माइनस करिए, इसको प्लस, इसको प्लस करिए, इसको माइनस करिए, इसको प्लस करिए और इसको प्लस करिए. साइन आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, ओके साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. अब इसको क्या कर लीजिए, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. रिपीट करूंगा, साइन रिवर्स हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क जब उधर जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये इधर गया तो माइनस होगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. तो माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस प्लस वाले माइनस हो जाएंगे. अब इसको डिजिट वाइज ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए बच्चों. तो -6 -7 -7 +9 2 और 5 2 7 हो गया ये. इसी तरीके से -5 -4 -9 -9 +6 -9 +6 -3 -3 +2 -1 -1 को पॉजिटिव बनाओ, 10 -1 9 बगल वाले में एक कम कर दो, -2 था तो एक कम होके -3 हो गया. क्या हो गया, -3 हो गया. तो ओके तो -3 और -4 -7 -7 और 1 -7 और 1 जोड़ा तो -6 -6 +6 कितना हो गया, 0 हो गया. बस ये 97 आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2. 0 का कोई मतलब नहीं है. तो 97 हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया. एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्लास में बताया गया है बच्चों, याद होगा, कमेंट में लिखना बताना हमें याद है कि नहीं, कैसे हमने इसको हैंडल करना बताया है. तो ऐसे ही आपको स्क्रीन पे जब क्वेश्चन मिलेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो ऐसे ही करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ना, ओके इससे गड़बड़ी नहीं होगी. 6 ये केवल डिवीजन का काम है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ केवल डिवीजन का काम है तो कर लेते हैं इसका डिवीजन. तो तो 5616 है मल्टीप्लाइड बाई 1/18 है और मल्टीप्लाइड बाई 1/8 है, इससे गड़बड़ी नहीं होगी ना, ठीक है ना. तो इसको देख लिया जाए तो 8 7 56 8 2 16 फिर 18 से काटे, 18 का 8 16
18 तीन एक काम करते हैं, गड़बड़ी ना हो इसलिए 9 से पहले दो बार, फिर 9 7 63 सात 9 8 72, फिर 2 से काट दिया तो ये कितना हो गया बेटा 39। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जा रहा है हमारा 39, केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉरी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन था इसमें केवल, आंसर 39। ओके सिंपल सा है, इजी सा है, ठीक है। बारी बारी से बस कैंसिल आउट करना है, 18 का टेबल याद हो तो फटाक से उससे भी कर लें आप, ठीक है ना। एग्जाम में जो रहेगा भैया देखो SBI क्लर्क का एग्जाम आ रहा है, ठीक है ना, नोटिफिकेशन भी आ चुका है जैसा आप लोग को मालूम है, तो अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका एज एज ऑन जो मांगता है, डिग्री एज ऑन जो मांगता है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन प्री का मेंस का, कहाँ सेक्शनल कट ऑफ है कहाँ नहीं है, सभी लोग एक बार देखिएगा। IBPS के प्री में सेक्शनल कट ऑफ है, तो क्या SBI के प्री में सेक्शनल कट ऑफ है, इसका उत्तर हम नहीं देंगे, आप सभी लोग कमेंट में जरूर देंगे, ठीक है ना, एक बार करिएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला है, बहुत बच्चे इससे अवेयर नहीं रहते हैं और बस ऐसे एग्जाम में चले जाते हैं। IBPS के प्री में सेक्शनल कट ऑफ है, हर सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है, अलग से कट ऑफ होता है, लेकिन क्या SBI वाले में है, तो आप प्री का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा और उसको चेक करिएगा एक बार और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, तो अगला वाला क्वेश्चन, ये हो गया ये वाला, ठीक। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही है बच्चों, बस यहाँ पर भी केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो देखिए, तो 12.5 हो गया इंटू 14 हो गया और इंटू 1/8.75 हो गया और प्लस 12 हो गया, यही है क्वेश्चन मार्क। तो बेटा पॉइंट तो हम लोग हटा सकते हैं, पॉइंट जो है इन दोनों में से हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग, 25 से पहले कर लेते हैं और सेफ साइड में रहने के लिए 25 से पहले, तो 25 पंजे 125, देखते हैं कटता है कि नहीं। फिर 25 3 75 हो जाएगा, 75 के बाद 25 पंजे 125 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से 7 बार, यानी 7 बार ये पूरा कट रहा था, 7 से ये 2 बार कटेगा, 7 2 14, तो 2 + 12 हमें कर लेना है, और 2 + 12 हमारा कितना आ जा रहा है बेटा, 14 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है बेटा 14। कुछ गड़बड़ हुआ देख लो, तो कुछ मिस तो नहीं है डेटा, 25 पंजे और ये मल्टीप्लाई 25 3 75 5 7 5 12 125 25 पंजे 125 5 7 35 7 2 14 12 + 2 14, मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, एक बार चेक करो तो। सौ पचास सही है, सब कुछ सही तो है भाई, और प्लस का 12 है वो 1.8.75 है, मल्टीप्लाइड वो डिवाइड में चला गया, ये मल्टीप्लाई में है, हाँ एक बार चेक करिए। तो एक बार मैं और कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ, आप सभी लोग देखिए, आई थिंक इट्स ओके, एक बार चेक करिए। तो एक बार मैं और देख रहा हूँ, 12.5 है, ओके समझ गया कहाँ गड़बड़ी हुई है भैया, यहाँ पे एक ही पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है ना, ओके। तो आप क्या करें, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ 10 कर लिया, ताकि ये पॉइंट यहाँ आ जाए, पॉइंट कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए इस सिंगल वाले पे, अब सही है। अब ये 20 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 20 + 2 हो जाएगा, यही हमने ध्यान नहीं दिया, नो प्रॉब्लम। ये रिजल्ट किसका है, ओवर कॉन्फिडेंस का, किसका रिजल्ट था ये, ओवर कॉन्फिडेंस का, ये रे यार बहुत आसान है, 32। तो आंसर कितना रहा बेटा 32। ए हमने ये 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि ये पॉइंट खिसक के इधर आ जाए, 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर 10 नीचे, ताकि ये दोनों में सिंगल पॉइंट रहे, अब सही है ये, ठीक है ना, अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला चले, तो ये 32 ऑप्शन नंबर 1 हो गया, बस गलत नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, ऊपर नीचे तो लगा रहता है, गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब आ जाइए, इसको भी जोड़ना घटाना है, केवल जोड़ना है, तो वैसे ही लिख लीजिए, पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट दिख रही हैं आपको, तो 3 2 डिजिट तक आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिए, 3.00 + 33.30
प्लस 3.03, इससे कभी गलत नहीं होगा बेटा, 333.00 अब यही आपको जोड़ना है, इससे कभी गलत नहीं होगा, कोई पैटर्न है नहीं, नहीं तो पैटर्न होता तो हम लोग काम बना लेते, ठीक है ना, देर इज नो पैटर्न। तो अब ऐसे ही इसको जोड़ घटा लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका बेटा, जैसे अभी हम शुरू में जोड़ घटा रहे थे वैसे ही कर लीजिए, पॉइंट को भूल जाइए, सब एडिशन करके दो अंकों के बाद पॉइंट लगा लीजिएगा, फिर दो अंकों के बाद क्या करिएगा, पॉइंट लगा लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 3 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है, फिर 0 3 3 3, अब यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 3 6 3 9 9 3 12, 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, फिर 4 4 3 7 हो जाएगा, फिर केवल क्या बच गया बेटा, 3 बच गया। देखो इससे कभी मिस्टेक नहीं होगा और कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सी डिजिट अभी बची है और कौन सी डिजिट अभी करना है किस पे काम, तो कितना इजीली हो जाएगा, 372.33, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। चलें आगे, ओके, डीआई पे आ जाते हैं। अब देखो इस डीआई में दिया क्या है बेटा, देखो तो क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द रिस्पेक्ट, नहीं पहले क्वेश्चन पढ़ो, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास दिया है और इसकी यूनिट क्या है बेटा, 1000 में डेटा है फ्रॉम टू यूनिवर्सिटी ओवर द ईयर, यूनिवर्सिटी कौन कौन सा है बेटा, एक है यूनिवर्सिटी ए और एक है यूनिवर्सिटी बी, ओवर द ईयर्स यानी कि 2003 2004 2005 2006 2007 और 2008 का, इतने का दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो अगर आप डेटा रीड करें तो यहाँ 20,000 है, इसी के बराबर ये 30,000 है, इसी तरह यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों का मिडिल वाला पकड़ो तो इन दोनों के मिडिल में क्या आएगा, 25 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर 35 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा और यहाँ पे 60 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे 50 आ जाएगा, ये सब 1000 में है बेटा डेटा, ये सारा जो डेटा हमने लिखा हुआ है जब रीड करके यहाँ से स्केल से रीड किया बेटा, 20 30, दोनों के बीच में 25, फिर ये दोनों के बीच में 35, फिर यहाँ पे ये 30, फिर यहाँ पे ये 50, फिर यहाँ पे ये 40, फिर यहाँ पे फिर ये 50, फिर यहाँ पे ये 60, फिर यहाँ पे ये 50, फिर यहाँ पर ये 30, ठीक है ना, यहाँ से रीड करके सारा डेटा लिख दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने SBI वाले क्लर्क में भी, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस की अधिकता रहती है वहाँ पे, जहाँ पे या तो लाइन के फॉर्म में दे देता है या तो बार ग्राफ के फॉर्म में, कॉलम ग्राफ के फॉर्म में जैसा ही दिया है, और उसमें डेटा को रीड करने के लिए आप पे छोड़ देता है, ये बहुत हुआ है। आप पिछले 5 साल का पेपर प्री का उठा कर देखिए, उसे बहुत हुआ है, बस चेक करिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, हम आपके गाइडेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर दे दीजिएगा, मैं आकर उसको रीड करके आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है ना, ओके। देखिए यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1000 में है, डेटा को ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन, क्या क्या बोला है, रेशियो निकालना है स्टूडेंट पास फ्रॉम यूनिवर्सिटी ए इन 2007, 2007 में यूनिवर्सिटी ए का कितना है बेटा, 50,000 है, ठीक है ना, एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट पास फ्रॉम यूनिवर्सिटी बी इन 2004, बी वाला पकड़ना है और 2004 में तो 35, और इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो में सबसे पहले किसको लोगे, 50 को लोगे, क्योंकि पहला ये डेटा है, दूसरा 35 है, ठीक है ना, तो 5 से काट दोगे तो 10 संबंधे 7 हो जाएगा, बस हमें रेशियो निकालना था, 5 आपका SCF है तो 10:7 हो जाएगा, इजी सा, ठीक है ना, ये आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से ये DI है और ये विगत वर्ष का ही है, आपके ज्यादातर जो दिए जाते हैं विगत वर्षों के ही दिए जाते हैं। अब देखो 1000 हम लोगों ने क्यों नहीं रखा, 1000 इसलिए नहीं रखा क्योंकि रेशियो निकालते हुए तो कट जाएगा दोनों में से, इसलिए उस डेटा को नहीं रखा हम लोगों ने, ये आपका सेल्फ, ये आपको अपने से ध्यान रखना है और जहन में रखना है कि ये काम हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला वाला ये, अब इसमें क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट पास फ्रॉम बोथ द यूनिवर्सिटी इन द ईयर 7, ठीक है ना, तो डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट लीजिए बोथ द यूनिवर्सिटी का, 7 का बोथ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर बेटा ये 50 आया था और यहाँ पर ये 60 आया था, तो यहाँ पर टोटल हमने किया तो 110 आया, ठीक है ना, डिफरेंस निकालना है अभी, अभी हम 1000 लगा लेंगे,
एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन 5 फ्रॉम बोथ द यूनिवर्सिटी टुगेदर, 5 में चलो तो बोथ द यूनिवर्सिटी टुगेदर ये 30 है बेटा, और ये कितना है 10 है, तो यानी यहाँ पे टुगेदर कितना हो गया 40 हो गया। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस बता देना है, तो डिफरेंस कितना हो गया बेटा इसका 70 हो गया, और 1000 लगा दो 70,000, क्योंकि अब संख्या पूछा है ना, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 70,000, चेक कर लीजिए। ओके चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द सम, क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द सम ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी बी इन द ईयर 3, 5 एंड 6 टुगेदर, ठीक, व्हाट इज द सम ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी बी इन द ईयर 3, 5 एंड 6 टुगेदर, ठीक है, बी का 3, 5, 6 टुगेदर करके सम कर लीजिए, कौन कौन से लेना 3, 5, 6, 3, 5 और 6, और बी को पकड़ना है, डैश वाला पकड़ना है, ये जो शेडेड वाला है ये 30 है, और यहाँ पे कितना है बेटा 10 है, और यहाँ पे बच्चा यहाँ पे 40 है, तो सबका आप सम कर लीजिए, तो ये 40 ये हो गया, 40, 40, 80 हो गया, 1000 लगा दीजिए इसमें क्योंकि डेटा 1000 में है आपका, इन 1000, तो आंसर हमारा कितना हो गया बेटा 80,000, सम निकालना था ना, इजी सर, कितना रहा 80,000, देखिए यहाँ पे तो इसमें क्या दिया हुआ है एक बार रीड करिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास फ्रॉम बी इन 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम बी इन 8 में बी का पकड़िए, तो बी का कितना आ रहा बेटा 50, कंपेयर कराना तो 1000 का कोई यूज नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट पास फ्रॉम यूनिवर्सिटी ए इन ऑल द ईयर्स, ए का ऑल ईयर लेना है बेटा, व्हाट परसेंट, मोरलेस तो नहीं लिखा, हाँ तो यहाँ पर ये 20 हो गया, यहाँ पे ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, और ये कितना रहा बेटा 30 रहा, सबको जोड़ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बेस हमारा यही है, तो 20 और 25 45, 75, 7, 5, 12 125, 50, 125 और 50 175 और 30 170 होता तो 200 हो जाता ना, 170 अगर होता 200 हो जाता, तो 205, तो इन सबको जोड़कर हो रहा है 205, 205 एडिशन एक बार और देख लीजिए, चलो अभी 5 बाद में जोड़ते हैं, 20, 20, 40, 70, 170 और 200, 205, ठीक है ना, तो हमें क्या कम करना है 50 को कंपेयर कराना है 205 से, आप चाहे तो उसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, 5 से काट के 10 संबंध है, 5 चौके 20, 5 एकम 5, तो हमें अप्रॉक्स निकालना है, तो 10 जो है अप्रॉक्सीमेटली 40 का कितना परसेंट है ये बताना है, अप्रॉक्स कर लो, चलो पहले मैं 41 लिख ही देता हूँ फिर बाद में अप्रॉक्स लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, अप्रॉक्सीमेटली पूछा है ना, ये 41 है तो इसको हम अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, 10 बटे का 40 और इंटू 100, ठीक है ना, तो यानी ये 25% अप्रॉक्स आ जाएगा, अप्रॉक्स कितना रहेगा 25%, अप्रॉक्स पूछा है तो आप जो कटने वाला नंबर है उसको बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है, फिर से बोल रहा हूँ आने वाला जो SBI का एग्जाम है उसमें पूरा चांस है इसका, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, कभी पिलो की संख्या, कभी केक की संख्या, कभी स्टूडेंट की संख्या, लाइन ग्राफ में दे देगा, बार ग्राफ में दे देगा, और उसको डेटा रीड करने के लिए आप पे छोड़ देगा, डेटा नहीं देता है वो, ठीक है ना, चलिए जब एग्जाम फेस करेंगे तो आपको बातें याद आएंगी, ठीक है, चलिए तो ये हो गया 25%, आगे चलेंगे बच्चों और बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाला, और स्पीड टेस्ट देते रहिए बेटा, इधर आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग सारे स्पीड टेस्ट बन रहे हैं, ठीक है ना, इधर क्या हमेशा से बनते आए हैं, बस आपको रियलाइज्ड रखना है, चलिए देखते हैं इसको अगला वाला प्रश्न, अब इसमें क्या दिया है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा पिछले वाले में भी 1000 हमने नहीं लगाया, कारण हमें कंपेयर करना था ना, जब भी कंपेयर करना हो आप यूनिट को इग्नोर कर सकते हैं, दोनों की अगर यूनिट सेम है तो ऑब्वियस सी बात है सेम है, तो रेशियो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन 7, 8 एंड 5 फ्रॉम यूनिवर्सिटी 8, बस रीड करिए 7, 8, 5 का,
ठीक है, पहले सेवन लेना फिर एट लेना फिर फाइव, तो पहले सेवन का लो जो ले लीजिए, फिर एट का लीजिए, फिर फाइव का लीजिए। और ए का पकड़ना है बेटा, तो सेवन में कितना है बेटा, पचास है। देखो यहाँ भी कंपेयर करना, तो थाउजेंड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बेटा कितना है तीस है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर भी तीस है। तो आपको पहले सेवन का लेना है, ऑर्डर ध्यान रखिएगा, पहले सेवन का लेंगे पचास, फिर किसका लेंगे एट का लेंगे जो कि तीस है, फिर पांच का भी लेंगे वो भी तीस है, तो रेशियो बन जाएगा 5:3:3 एंड दिस इज योर आंसर। थाउजेंड नहीं लगाया बेटा, थाउजेंड न लगाने का कारण क्या है कि आपका जो रेशियो निकालते वक्त कॉमन फैक्टर है सीएफ है वो कट जाएगा, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला, अब यहाँ पे अब हम लोग सीरीज की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना, तो चलिए चेक किया जाए। पहला वाला क्वेश्चन इजी तो दिख नहीं रहा है, तो माइनस वन और ये सिक्स है, ये 25 है, ये 62 है, ये 123 है और ये 214 है, और ये कितना, 64 में दो कम है, 125 में दो कम है, 216 में दो कम है, यानी क्यूब में दो कम है भैया। अरे वाह, तो किसी को भी देख लो ना, तो यानी कि क्यूब में दो कम करें, यानी कि एक का क्यूब माइनस दो अगर करे तो माइनस वन आ रहा है, दो का क्यूब आठ माइनस दो करे तो छः आ रहा है, और तीन का क्यूब 27 माइनस दो करे तो 25 आ रहा है, इसी तरह चार का क्यूब माइनस दो है ये, और ये पांच का क्यूब माइनस दो है, और ये छः का क्यूब माइनस दो है, छः का क्यूब है ये, छः का क्यूब, ओहो, छः का क्यूब माइनस दो है, तो ये कितना होना चाहिए बेटा, सात का क्यूब माइनस दो, क्यूब वाला छोटा थोड़ा बन जा रहा है, सेवन का क्यूब माइनस दो, यानी कि ये 343 होता है, माइनस दो करिए तो आंसर हमारा कितना रहेगा, 341, ठीक है ना, आंसर कितना रहा बेटा, 341, ऑप्शन चार, चेक कर लीजिए, क्यूब माइनस टू चला है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, चेक करें। अगला वाला, ओके, तो ग्रेजुअली है तो इंक्रीज डिक्रीज यानी कुछ एडिशन सबट्रैक्शन का मामला बन सकता है, पहले इसको लिख लेते हैं, 588, 563, 540, 519, 500 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखिए, क्योंकि ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज है ना, तो 88 और 63 माइनस करिए, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो 23 हो रहा है, यहाँ पर देखिए तो 19, 20 21 हो रहा है, इसी तरह यहाँ पर देखिए तो 19 हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो कम हुआ है, फिर यहाँ पे दो कम हुआ है, फिर यहाँ पे दो कम हुआ, यानी फिर से दो कम होगा, 19 में दो कम किया तो कितना हो गया बेटा, 17 हो गया, 19 में दो कम किया तो कितना हो गया, 17 हो गया, दो दो कम हो रहा है, और देख रहे हैं सीरीज डिक्रीज हो रही है, तो यानी हमें 17 माइनस करना होगा, तो 500 में से 17 को माइनस करिए तो ये आ जाएगा 83, यानी 483 आना चाहिए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3, सब कम हो रहा है ये, ठीक है ना, ये भी कम हो रहा है, और मॉड वैल्यू में आपका दो दो कम होता जा रहा है, ठीक है ना, आंसर कितना रहा बेटा, 483। चलें आगे नेक्स्ट वाले पे, चलिए नेक्स्ट वाला, वन थर्टी क्वेश्चन मार्क, 417, 338, 839, तो अगर इसको हम देखें, यहाँ पे 25 बन जाएगा, और 30 से फिर आगे देखना पड़ेगा, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, 1 है, 30 है, क्वेश्चन मार्क है, 417 है, 838 है और 839 है,
ठीक है ना, हम लोग चेक करते हैं इसको। इसको अगर देखें, अगर हम इसमें इंटू फाइव करके फाइव बना लें और फिर इसमें 25 जोड़ दें तो 30 बन रहा है, 5 के बाद 6, आगे चलकर उतना तेज आगे भागा नहीं है तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना पड़ेगा। 5 के बाद 4 एक बार चेक कर लेते हैं, इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 30 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। 120 में आप 16 को जोड़िए, 4 का स्क्वायर, 120 में 16 को जोड़ा तो 136 आ रहा है। ऑप्शन में तो है लेकिन अभी चेक करना होगा। अब इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर चेक करिए, ठीक है ना। इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर को आप चेक करिए एक बार। तो अगर हम इंटू 3 करेंगे तो 6 3 18, 13 43 4, और फिर 9 को जोड़ा, ठीक है, तो 9 8 17, 417 हो रहा है, ठीक है, बन रहा है 417 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर होना चाहिए। चेक करना है तो चेक कर लीजिए क्योंकि लास्ट वाला सेटिस्फाई हो रहा है। इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, एक का डिफरेंस है ना, लास्ट वाला सेटिस्फाई हो रहा है, दैट्स वाई। हमारा आंसर कितना हो गया बेटा, 136, ऑप्शन में भी है, ठीक है, देख लीजिए। सो दिस इज 136। चला जाए आगे, चलिए चेक करते हैं। तो पहले क्वेश्चन ले आइए, यस। तो ये हो गया 5, ये 65, 715, 6435, देन क्वेश्चन मार्क, देन 225, देन 225। बहुत तेजी से बढ़ा है बेटा, यानी मल्टीप्लिकेशन का तो केस बनता है, मल्टीप्लिकेशन का केस बनेगा। तो 13 5 65 होता है, तो एक बार चेक करके देखो तो 13 5 65 को क्या बन सकता है। तो अगर हम 5 में गुड़े 13 कर दे, अब या तो हम 13 से, अगर 13 को हम प्राइम नंबर लें तो अगला प्राइम नंबर 17 होगा, लेकिन 17 गुना है नहीं, ठीक है ना, 17 6 102 वैसे ही हो जाएगा। और अगर 13 को हम ऑड लें और 13 और 2 15 करें तो 15 6 5 55, ये भी नहीं हो रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक बार चलो तो 13 को ऑड लेके प्राइम बाद में देखेंगे। इंटू 11 करो, हो तो रहा है, इंटू 11 देखो तो 5 11 1 6 7 सही है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑड नंबर जा रहा है, क्योंकि 13 के बाद 11 आ रहा है, तो 13 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 9। अच्छा चलो पहले ऑड चेक करो, गुड़े 9 करके देखो तो, क्योंकि 9 5 45 होगा, अगर हम प्राइम 7 लेंगे तो बन नहीं रहा है, क्योंकि 7 7 49 तक जाएगा केवल। तो 5 9 35 3 हो गया, 9 5 9 35 3 हो गया, और फिर 9 1 9 9 3 12 नहीं बना, इंटू 9 7 9 63 बनना तो चाहिए यार, 7 9 63 हो ही रहा है, तो एक बार और देख लो। तो 5 9 35 कैरी 3, 9 1 9 9 और 3 12 ही होता है, 6 4 3 5 है, फिर 7 9 63 63 1 64 कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ। 715 गुणे 9 6 4 2 5 होगा कि 6 4 3 5 होगा, मुझे करेक्ट करना पड़ेगा क्यों बच्चों। अगर हम 715 गुणे 9 करते हैं, 6 4 3 5 ही तो होगा यार, अभी गजब है। 5 9 35 अरे भाई 5 9 35 नहीं होता, 5 9 45 होता है, दिमाग से उतर जाता है। 5 9 45 5 कैरी 4 9 5 9 4 13 1 सही है। अब इंटू तो 13 11 9, तो 9 से नीचे ऑल्ला ऑड कितना होगा, 7। अभी 7 मल्टीप्लाई करो, 5 7 35 5 7 35 3 7 3 21 22 23 24 कैरी 2 7 6 28 2 30 कैरी 3 6 7 42 3 45 45 05 ऑप्शन में भी है, पहले एक और चेक कर ले। क्या इंटू 5 हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है, देख लो हो रहा है, इंटू 5 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1। अब देखो करते करते सॉल्व करते करते क्या क्या हो जाती चीजें, हाँ 9 5 35 कर रहे हैं, क्योंकि 9 5 45 होता है, 7 5 35। चलिए आगे चलते, अगला वाला देखो। तो 324
1008 5040 कुछ मल्टीप्लिकेशन का ही केस बनना चाहिए। कारण क्या है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, जब तेजी से बढ़ता है तो मल्टीप्लिकेशन का केस होता है। तो चलो इसको एक बार लिखते हैं, फिर सोचते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ये है 324 देन क्वेश्चन मार्क देन 1008 देन 5040 देन 20160। बेटा आप इसको चेक करिए, तो पहले तो हमारे दिमाग में यार मल्टीप्लिकेशन केस तो होगा, कारण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो 8 3 24 होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर भी जाना है, फिर इसके बाद देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग ये 4 बार गया है ना, हाँ 5 4 20 लगभग 4 बार गया है, तो इधर से इधर डिक्रीजिंग आ रहा है, यानी इधर इंक्रीज होना चाहिए। तो क्या ये 5 बार है? बिल्कुल है, यानी कि 5 बार ये है, तो ये 6 बार होना चाहिए और ये 7 बार होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, इधर अब चेक कर लेते हैं। तो 24 × 7 करें, 7 4 28 2, 7 2 14 2 16, 168 ऑप्शन में भी है, बाकी देख लेते हैं। 6 8 48 16 6 96, ओके डन है, ठीक है बेटा डन। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 168 सेटिस्फाई हो गया, 168 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। तेजी से बढ़ता है तो मल्टीप्लीकेशन का केस हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला। ये अगला वाला अब आ जाते हैं कुछ आपके जो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम है उनको देखने। तो इसमें क्या दिया गया है देखिए, तो सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ सेट ए इज 376। तो हमें सम निकालना है एक दूसरे सेट का जो 5 कंसेक्यूटिव नंबर का है, जिसका लोवेस्ट नंबर कंसेक्यूटिव नंबर वो भी है, लोवेस्ट नंबर 15 ज्यादा है एवरेज ऑफ सेट है। तो सेट ए का एवरेज कितना हो गया, 376 अपॉन 8 है और उसमें 15 जोड़ दो, 15 जोड़ दो, तो लोवेस्ट नंबर सेट बी का आ गया, दूसरे वाले सेट का लोवेस्ट नंबर आ गया, हुज लोवेस्ट नंबर 15 मोर देन एवरेज। तो ये हो जाएगा 8 4 32 8 7 56 प्लस 15, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 7 5 12 1 4 1 5 1 6 62। तो लोवेस्ट नंबर 6 है, लोवेस्ट नंबर सॉरी 62 है, तो सारे नंबर लिख डालें, कितने नंबर है 5, तो कंसेक्यूटिव है तो एक का डिफरेंस होगा, तो एक 63 बनेगा, एक 64 बनेगा, एक 65 बनेगा और एक 66 बनेगा, तो ये पांचों नंबर हो गए। अब इनका एवरेज कहाँ आ रहा है, मिडिल में 64, तो सम कितना हो जाएगा 64 और गुड़े में कितना आ जाएगा 5, तो 5 4 20 और 320, तो सम कितना आ गया बेटा 320 आ गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। चलें आगे नेक्स्ट वाला। फोर्टी% फेल हुए मैथ्स में, 30% इंग्लिश में, जबकि 20% बोथ में फेल हुए हैं, ठीक है ना। परसेंटेज निकालना है पास इन बोथ, तो बस इनका आइदर और निकालिए और 100% में से हटा दीजिए। तो टोटल 100% में से अगर हम आइदर और हटाएं, तो अगर हम 40% लेंगे तो उसमें बोथ वाला 20 आएगा, और 30% लेंगे तो दोबारा आ जाएगा 20% बोथ वाला। तो दो बार चुकी आ चुका है, इसमें भी 20 इसमें भी 20, तो एक बार 20 हटा दो, ठीक है ना। और ये मिल जाएगा आपका परसेंटेज बोथ का, टोटल हमने 100% मान रखा है, परसेंटेज बोथ पास का, तो हमने क्या किया टोटल माइनस आइदर और फेल, तो टोटल 100% माइनस 4 3 7 70 50, यानी ये आएगा आपका 50% जो है दोनों में पास है, ठीक है ना, 50% जो है दोनों में पास है। अगला चला जाए नेक्स्ट वाला। रेशियो दिया है प्रेजेंट एज ऑफ एम और पी का, और प्रेजेंट एज ऑफ एन जो है बराबर है एवरेज ऑफ एम एंड पी आफ्टर 2 इयर्स। अगर रेशियो प्रेजेंट एज का एन और एज पी आफ्टर 4 इयर्स 6 7 है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ एम आफ्टर 4 इयर्स टू दैट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एन। बेटा इक्वेशन से जाना पड़ेगा, इसको इक्वेशन से लेकर चलना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेम करते हैं इक्वेशन।
सबसे पहले क्या दिया, रेशियो दिया प्रेजेंट ऑफ एमएमपी, तो एम की एज प्रेजेंट, एम की एज और पी की एज जो प्रेजेंट वाली है वो क्रमशः हो जाएगा 7x और 9x, ठीक है ना। और क्या कहा है, प्रेजेंट एज जो एन का है दैट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एम एन पी आफ्टर टू इयर्स, तो दो साल के बाद 7x प्लस 2 होगा एम, किसका बोला है एम और एन का ना, एम और पी का जो प्रेजेंट आफ्टर टू इयर्स चार है, तो दूसरे का पी का कितना हो जाएगा 9x प्लस 2, और इनका एवरेज निकाल लो डिवाइड बाई 2 कर लो, तो 9 × 16 16/2 यानी 8 और 2 × 2 = 4 यानी कि 2, 8x प्लस 2, ये हो गया एन के प्रेजेंट एज। आगे क्या लिखा है, रेशियो दिया है प्रेजेंट ऑफ एन एंड एज ऑफ पी आफ्टर 4 ईयर 6:7, इससे अब हमारा एक्स की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज जो एन का है बेटा, रेशियो दिया हुआ तो प्रेजेंट एज एन का है 8x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई, क्योंकि रेशियो की बात किया है, पी की एज आफ्टर 4 ईयर्स, तो आफ्टर 4 ईयर्स कितना हो जाएगा 9x प्लस 4, ठीक है ना। ये रेशियो दिया 6/7, इससे अब हमें क्या मिलने वाला है, इससे हमें x की वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 7 × 8 = 56x, 7 × 2 = 14, 9 × 6 = 54x, 6 × 4 = 24, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, एक तरफ कर लीजिए तो 2x बराबर कितना हो रहा है 10, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है बेटा 5, x की वैल्यू 5 आ रही है, तो x की वैल्यू 5 आने के बाद व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ m आफ्टर 4 ईयर टू दैट ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ n। अब रिक्वायर्ड रेशियो निकाल लीजिए, हमसे जो पूछा गया है हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एज ऑफ m आफ्टर 4 ईयर्स, तो एज तो प्रेजेंट 7 × 5 हो जाएगा 35, और आफ्टर 4 ईयर्स के लिए प्लस 4 जोड़ दो, और इसका रेशियो किससे निकाल लेना है, प्रेजेंट ऑफ n, n का प्रेजेंट कितना है, n का प्रेजेंट देखो 8x प्लस 2 है, तो इनको क्या करोगे 8x प्लस 2, ठीक है ना, ये वाला, तो ये रेशियो 35 × 4 = 39, 8 × 5 = 40 = 42, ठीक है ना, 3 से काटिए 13 × 3 = 3, 3 × 6 = 12, 13 × 14 = 14, ये आंसर पहला वाला, थोड़ा पेशेंस वाला काम करना था यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस करना था, पेशेंस से करना था, ठीक है। हैव अ लुक, हैव अ लुक एवरीवन, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ओके है, चला जाए अगला, ये पेशेंस वाला था क्वेश्चन, थोड़ा सा पेशेंस रखकर जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे काम करते गए, ठीक है, चला जाए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, तुम रमेश ने बिजनेस शुरू किया है 3000 इन्वेस्ट करके, 4 महीने बाद महेश ने ज्वाइन किया है 24000 के साथ, और 1 साल के बाद प्रॉफिट शेयर जो महेश का है 1600 है, तो हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो बेटा आप पहले इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, कैपिटल को 6×5 = 30, 20 कॉमन ही है, और 6×4 = 24, तो कौन कौन है, रमेश है और दूसरा महेश है, तो रमेश हो गया और महेश हो गया, तो रमेश ने 5 लगाया है और 4 महीने के बाद रमेश ने 5 लगाया, महेश ने 4 लगाया है, और ये पूरा 12 महीना रहा है, लेकिन ये 4 महीने के बाद आया तो अंतिम 8 महीने के लिए इसका पैसा यूज हुआ, 4 महीने के बाद आया, तो बस ये हो गया, तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, 4 से काट दो 15, 4 से काट दिया 15, तो 15 × 8 रेशियो आ जाएगा इनके प्रॉफिट का, ठीक है ना, ठीक। अब क्या है, 1600 किसका प्रॉफिट है बेटा, देखो तो 1600 महेश का प्रॉफिट है, तो महेश का रेशियो में कितना है 8, टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो ये कितना हो रहा है 23 हो रहा है, 23 से मल्टीप्लाई करिए, 8 × 2 = 16 और 23 × 2 = 46, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 4600, ओके, चेक कर लीजिए, इजी सा, चला जाए नेक्स्ट।
So the next one is speed of the motor boat is 3 times the speed of the stream. Okay, so speed of the motor boat is 3 times the speed of the stream. If the motor boat covers 220 down and 110 up in 22 hours, find the time taken by motor boat to cover 120 down. So beta, speed of the motor boat is 3 times the speed of the stream. The speed of the motor boat ko hum kahan le? Up le, down le, still le? कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हम स्टिल वाटर वाली स्पीड मानेंगे. तो स्पीड ऑफ द मोटर बोट हम कह लेते हैं एक्स, स्टिल वाटर वाली. 3 times द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड हम वाई कह लेते हैं. तो हमें क्या कहा है कि एक्स जो है वाटर की स्पीड जो है वाई स्ट्रीम की स्पीड का कितना है 3 times है. तो रेशियो 3:1 हो गया, ठीक है ना. तो बड़े ही आसानी से अब हम लोग अप और डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं. तो आप डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो डाउन हो जाएगा 3+1=4 और अप हो जाएगा 3-1=2, यानी ये रेशियो 2:1 हो जाएगा. ये रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा. क्या करें, सिंप्लीफाई ना करें तो ज़्यादा अच्छा है. हाँ, सिंप्लीफाई ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, आपका बना रहेगा क्या रेशियो बना रहेगा. क्या कह रहा है, इफ द मोटर बोट कवर्स 220 डाउन एंड 110 अप इन 22 आवर्स. एक्स लगाना पड़ेगा भैया, बिना एक्स के यानी बिना वेरिएबल के नहीं होने वाला है. थोड़ा थोड़ा सा वेरिएबल लगाना पड़ेगा. तो इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, इसको कह लेते हैं 3t और कॉमा करके लिख देता हूँ. वाई कितना हो जाएगा, टी. एक्स और वाई तो यूज हो चुका है. अब हम डाउन और अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन के दौरान. तो क्या हो जाएगा, तो 220 क्या जा रहा है, 220 जा रहा है डाउन. तो 220 डाउन जा रहा है, तो डाउन वाली स्पीड क्या हो जाएगा, 3t + t 4t. और 110 अप जा रहा है, तो अप वाला क्या होगा, 3t - t 2t. और इनका जो टोटल टाइम ये कितना दिया हुआ, 22, ठीक. अब 11 से तो कैंसिल हो रहा है, तो 11 × 2 = 22. 11 से 10 बार और 11 से 2 बार. फिर यहाँ से 4 से काट दीजिए 5/t, प्लस 2 से काटिए 5/t इज इक्वल टू 2. तो ये हो जाएगा 2 × 5/t इज इक्वल टू 2. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 5. ये t एक वेरिएबल है, t फॉर टाइम नहीं है यहाँ पे. t एक वेरिएबल है बेटा, ठीक है. x और y यूज कर लेते इसलिए उसको नहीं लिया. t एक वेरिएबल ले लिया है, SCF ले लिया है. t बराबर 5 हो गया. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है, 3t. 3 × 5 15 km/h. और y कितना हो गया, 5 km/h. इसको मैंने आपके लिए लिख दिया. अब क्या करना है, 220 डाउन जाना है, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन टू गो 120 डाउन. डाउन वाली स्पीड ले लीजिए, तो डाउन वाली स्पीड हो जाएगा 15+5 यानी 20 km/h. तो कितने घंटे लगेंगे बेटा, 6 घंटे लगेंगे, 6 आवर्स. ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, ठीक है ना. हैव अ लुक. चला जाए अगला. डन है, चलिए अगला वाला बात करते हैं. तो इसने क्या दिया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू इक्वेशंस आर गिवन. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू इक्वेशंस आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. तो क्वाड्रेटिक वाला है, अपना क्वाड्रेटिक वाला हल करिए. देखिए तो 48 है, 48 का ऐसा फैक्टर करें कि एडिशन आपका कितना हो जाए, 16 हो जाए. तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो 2 से करेंगे 24, एडिशन हमें 16 कराना है. तो 2 = 24 हुआ, 2 = 12 हुआ, 2 = 6 हुआ, 2 = 3 हुआ. ये फैक्टराइजेशन कर लिया ताकि गड़बड़ी ना हो. अब इसका पेयरिंग ऐसा करिए कि एडिशन 16 कर सके हम लोग. तो 2 × 4 = 4, 8 × 6 = 14, 3 × 6 = 12, 12 × 4 = 16. देखो यहाँ पे क्या कर ले, इसको 4 कर ले और इसको 2 × 12 कर ले. 12 × 4 = 16 हो रहा है. तो हम कहेंगे कि हमारा एक फैक्टर है आपका 4 और एक फैक्टर है 12. साइन दे लीजिए माइनस प्लस का, प्लस और प्लस हो जाएगा. माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा, ठीक है ना.
ओके डिवीजन ना मान लीजिएगा, इसलिए हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है ओके। अब आगे क्या है, यहाँ पे 18 है तो 2 गुड़े फिर 3 गुड़े 3, तो आप करेंगे 3 दूनी 6, 6 3 9, 3 दूनी 6 और ये कितना 3, तो फैक्टर हमारा हो गया 6 और कितना हो गया 3, और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोफिशियंट तो 1 है ना, डिवीजन करना है ना मल्टीप्लीकेशन करना है, सीधे आप कंपेयर करके आंसर दीजिए। आप तो बारी बारी से कंपेयर कर लीजिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा बारी बारी से कंपेयर करना है। 4 6 से क्या है बेटा, छोटा है, 4 3 से क्या है, बड़ा है, बस यहीं रुक जाइए क्योंकि मुंह उल्टा हो चुका है, आगे कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, तो रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। यहीं पर मुंह उल्टा हो गया तो रिलेशन क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा। तीसरे में इक्वल टू या रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, ठीक है बेटा। चला जाए अगला, नेक्स्ट वाले में बात करें। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 है, 30 को ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन 11 हो जाए, तो ये हो जाएगा 6 5 30 और 6 5 11 हो रहा है। इसी तरह 20 को ऐसा ब्रेक करिए कि आपका एडिशन 9 हो जाए, तो 5 4 20 हो जा रहा है, तो फैक्टर्स लिख लीजिए भैया। तो यहाँ पे 6 और 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 और 4 हो जाएगा, किसी भी ऑर्डर में फैक्टर रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस का क्या होता है, माइनस और माइनस, यहाँ पर भी माइनस माइनस क्योंकि प्लस प्लस है। अब कोफिशियंट 1 है तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अब आप इसको कंपेयर करा लीजिए, -6 -5 से छोटा है, निगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी उतनी छोटी, -6 से -6 -4 से छोटा है, -5 -5 के बराबर है और -5 -4 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, x is less than equal to y बन जाएगा, x is less than equal to y, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन को कभी याद मत करिएगा क्योंकि आपका जो है ऑप्शन ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है ना, जैसा आपको दिख रहा है ऑप्शन ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला ये है। अब 144 है, इसका ऐसा ब्रेक करना है इसको कि एडिशन 25 हो जाए, 77 को ऐसा ब्रेक करने की एडिशन 18, तो 144 को एडिशन में 25 कराना है, तो 2 से काटा 72, 2 से काटा 36, 2 से काटा 18, 2 से काटा 9, 3 गुड़े 3। चलिए पेयरिंग करते हैं 25 लाने के लिए, 3 3 9 2 18, 2 2 4 4 2 8, 18 8 26, 3 3 9 9 2 18, 18 और 8 नहीं बनेगा, तो 1 2 हटा लेते, 3 3 9, 2 2 4 4 2 8, 8 2 16, 16 9 25, ठीक है। तो ये ले लीजिए आप 16 और ये ले लीजिए आप 25, 16 9 ना, ठीक है, 16 और 9 25 होता है, तो 16 और 9, और प्लस प्लस का माइनस माइनस, ठीक है ना। इसी तरह आप दूसरे वाले पे आ जाइए, तो 77 को ऐसा ब्रेक करना है कि एडिशन 18 हो जाए। अब इसका नैनो टेक्निक भी बताएंगे, ठीक है ना, पहले इसको देख लो फिर नैनो टेक्निक है, एक बड़ा जबरदस्त मजा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, 77 को ब्रेक करना है तो 7 गुड़े 8 से अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, सॉरी 7 गुड़े 11 और एड 18 हो ही रहा है, तो 7 और गुड़े 8, और माइनस प्लस का क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा, तो -16 -7 से छोटा है, -16 + 8 से छोटा है, -9 - 7 से छोटा है, इतने ये भी इससे छोटा है, तो ले देखिए आंसर क्या आ गया, x is less than equal to y। अब देखो ये तो हो गया आपका पूरा प्रोसेस से कोफिशियंट 1 था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके एक नैनो टेक्निक है जिससे कि आप जल्दी से हल कर सकते हैं, अब मुझे ये बताओ प्लस और प्लस का साइन क्या दोगे, माइनस और माइनस, याद है ना, एक मिनट कर लेना, हाँ फिर से प्लस और प्लस का साइन क्या देंगे बेटा, माइनस और माइनस, और माइनस और प्लस का साइन क्या होता है, प्लस और प्लस, तो माइनस वाला हमेशा नंबर लाइन पे लेफ्ट में रहेगा, प्लस वाला राइट में, यानी कि एक्स वाला वाई से क्या होगा, छोटा होगा,
माइनस वाला पॉजिटिव से छोटा, 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 तो ले देखिए आंसर हमारा क्या रहा, एक्स इज लेस देन वाई, सेम वही आंसर आया ना। ये नैनो टेक्निक, फैक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इस केस में फैक्टर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके चलो अगला, तो उसको इस नैनो टेक्निक से भी कर लिया गया। अगला ये क्वेश्चन, एक सौ पांच को ऐसा ब्रेक करना है, माइनस माइनस का प्लस माइनस, तो यहाँ कोई स्पेशल केस नहीं है, ऐसा ब्रेक करना है कि डिफरेंस हमारा आठ होते, एक सौ पांच तो पांच से काटा इक्कीस, तीन से काटा और सात, ठीक है ना, तो डिफरेंस आठ लाना है, सात त्रिक इक्कीस, पांच पंद्रह, तो इसको आप ले लीजिए पंद्रह और इसको ले लीजिए सात, पंद्रह और सात का डिफरेंस आठ हो रहा है, तो हम क्या कर ले, पंद्रह और सात ले लेते हैं, तो पंद्रह कॉमा सात और माइनस माइनस का प्लस माइनस प्लस बड़े वाले को, अब दूसरे पे आ जाइए, कोफिशियंट तो वन है ही, दो सौ सत्तर, तो दो से काटा, चलो तीन से ही शुरू कर लेते हैं, बाद में दो से देख लेंगे, दिक्कत नहीं क्योंकि तीन से थोड़ा इजी दिख रहा है, तीन से नब्बे, फिर तीन से तीस, फिर तीन से दस, फिर दस को दो गुणे पाँच लिख लिया, ठीक है ना। अब पेयरिंग ऐसा करना है कि एडिशन तैंतीस हो जाए, तो पाँच छक तीस, नौ नहीं, तीन तरीके नौ त्रिक सत्ताईस, पाँच दूनी दस नहीं, तीन दूनी छः, पाँच पंद्रह नहीं, पहन देते हैं पैंतालीस ये भी नहीं, तीन तरीके नौ, नौ दूनी अट्ठारह, अट्ठारह और पंद्रह, अट्ठारह और पंद्रह हो रहा है, तो तीन तरीके नौ, नौ दूनी अट्ठारह और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना पंद्रह, तो पंद्रह और अट्ठारह को जोड़ लीजिए तो पैंतीस हो रहा है, ठीक है ना, तो किसी भी ऑर्डर में फैक्टर रख लीजिए, तो अट्ठारह पंद्रह या पंद्रह अट्ठारह, तो पंद्रह और अट्ठारह, अब आ जाइए आप माइनस प्लस का प्लस प्लस हो जाएगा, अब कोफिशिएंट दोनों का वन है तो नो कोई दिक्कत नहीं है ना मल्टीप्लिकेशन ना डिवीजन में, पंद्रह पंद्रह के बराबर है, पंद्रह अट्ठारह से छोटा है, माइनस सात पंद्रह से छोटा है और माइनस सात अट्ठारह से छोटा है, यानी ले दे के आंसर हमारा एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई हो जाए, तो आंसर हमारा एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है। चलिए अगला वाला, सभी में कोफिशिएंट वन ही है, सभी में कोफिशिएंट जो है वन ही है, ओके अगला चलते हैं, तो 25 पाँच ही होगा और क्या, पाँच पचे पच्चीस, पाँच पाँच दस होता है, तो यहाँ पे पाँच आएगा कॉमा पाँच आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस फोर आएगा, तो यहाँ पे प्लस फोर और यहाँ पे माइनस फोर, और प्लस प्लस का ऊपर माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस फाइव माइनस फोर से छोटा, माइनस फाइव माइनस फोर से छोटा, माइनस फाइव फोर से छोटा और माइनस फाइव माइनस फोर से छोटा, ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन वाई, तो यहाँ पे एक्स इज लेस देन वाई ऑप्शन नंबर चार बन जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कितना बन जाएगा, चार बन जाएगा, ओके है ना। चले अगला वाला, नेक्स्ट, ओके तो ये डन है, नो प्रॉब्लम। सो बच्चों हमारी बातों को ध्यान रखना, आने वाला जो एग्जाम है आज वीआई क्लर्क का, जूनियर एसोसिएट का जो आया उसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, और जो बातें बोले हैं स्पीड टेस्ट लगाते रहिए, और जो इतने क्वेश्चन आए हैं इसको अच्छी तरह रिवाइज करते जाइए, स्पीड टेस्ट भी लगाते जाएंगे तो आपका प्री तो आराम से निकल जाएगा, स्पीड टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देते रहिए, ऑफलाइन के लिए केस सॉल्यूशन के लिए हम तो अवेलेबल हैं, ओके आज के लिए इतने ही बच्चों, ओके थैंक यू, सब्सक्राइब नाउ and press the bell.